विशाल प्रेजेंट। सर अभिषेक तो ही इज एब्सेंट, ही हैज गॉन टू टेक द वैक्सीन। ही इज उकरी कूल। नाइट आशीष प्रेजेंट सर। नीरव ऋग्वेद प्रेजेंट सर। ध्रुव वसीम ओमकार प्रेजेंट सर। सोनिया प्रेजेंट सर। हिमांशु प्रेजेंट सर। आदिल इज एब्सेंट। दीपेन प्रेजेंट सर। आकाश शिवम प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। ध्रुव टेंबुलकर ध्रुव मंथन प्रेजेंट सर। सुमेध सर ऋषिकेश नाईक प्रेजेंट सर। हो ऋषिकेश नाईक 9051। 9051 ओके यस सर। तो ग्रुप नंबर 10 95 यस सर। या who wants to present group number 10 sir? Me Vishal. Ha, come on, so start presenting. Hello, what happened? Hello, Vishal, what happened? Hello? Hello? Hello, you are not audible, Vishal. Probably you are on mute. Vishal, mic mute hai. Haan, mic mute hai. Haan. Hello, please tell someone. Can somebody tell Vishal that he is on mute? Hello, sir. Haan, yeah, you are audible now. Haan, please start. Sir, ये मेरा ये आइसोमेट्रिक व्यू है सर। और ये ड्रिल है ना, अंदर वाला ड्रिल, ज़ूम करो, अंदर वाला ड्रिल है ना, इसका जिग इधर बना है सर। किसके लिए बना रहे ड्रिल जिग सर? डायमीटर 25, ये देखो डायमीटर 25 के लिए। ओके ठीक है सर। साइड व्यू से सर इधर क्लैंपिंग किया है सर। ये इधर से होल करने, साइड से होल करने का था, इसलिए मैंने जॉब को थोड़ा वर्टिकल घुमाया। और ये दो साइड है ना सर्कल, दो उसको वी ब्लॉक लगवाया है सर। ये देखो वी ब्लॉक इधर है और इधर। वेर इज योर लोकेशन सर? ये लोकेशन पिन है देखो सर, नीचे टॉप में इधर चार है, देखो लिखा है इधर लोकेशन पिन। हाउ मेनी लोकेशन पिन्स यू हैव गिवन? फोर। ओके सो इवन टू आर इनफ नो, डायगोनली अपोजिट, फोर विल बिकम यू नो इट विल बी रिडंडेंट, सो टू आर इनफ। ओके सर। ओके सर इधर यू पुट टू लोकेटिंग पिन्स डायगोनली अपोजिट। ओके ओके सर। ओके देन
इधर ये वी ब्लॉक क्लैंपिंग के लिए सर यूज किया ओके इधर और हाँ हाँ इधर स्क्रू के ऊपर है सर सो यू आर यूजिंग वी ब्लॉक फॉर लोकेटिंग एज वेल एज फॉर क्लैंपिंग आल्सो यस सर ओके फाइन सर दिस इज माय फर्स्ट जॉब फर्स्ट ये एंड ड्रिलिंग इसके लिए सर सर डायमीटर डायमीटर 15 एंड डायमीटर 15 एंड डायमीटर 30 30 आई हैव द ड्राइंग यस ड्राइंग मैंने खोल के रखे हैं आई हैव ओपन द ड्राइंग पर सो यू यस सर डायमीटर सर तो इधर बुशेस लगाए ड्रिल मारने के लिए ओके दिस इज अनदर जिग यू आर शोइंग हाँ सर और इज इट द सेम जिग नहीं ना नहीं नहीं सर अनदर जिग हाँ ओके सर नीचे ये लगाया है वर्कपीस के नीचे ना थोड़ा कर्व है ना इसलिए मैंने सपोर्टिंग पिन लगवाया और साइड में उसके ऊपर इवन ये जो जहाँ पे कव है ना वहाँ पे सामने का प्लेट में आप ऐसा स्लॉट भी कर सकते हैं सो दैट उसमें जाके वो घुस जाएगा हाँ सर और सर इधर ये लगा है लोकेटिंग पिन साइड में और ये सपोर्टिंग पिन है वो नीचे रहेगा सर वर्कपीस को ऊपर ऊपर ओके ऊपर लेने के लिए हाँ हाँ और साइड में वी ब्लॉक लगवाया है यस यस हाँ क्या बोलो तुम साइड में सर और इधर ना प्लेट लगवाई है ड्रिलिंग के आगे प्लेट लगाए क्योंकि जब ड्रिलिंग करेगा तो आगे वापस ना जाए ना टूट ना जाए इसलिए मी आता माझ्याकडे टिफिन असतं तर मी आता पण दिलं बस घे टिफिन नाही ना मी भात नेला तो मला भात नेला ना मग काय फ्राईड राईस हेलो हेलो सर हाँ जस्ट हेलो हेलो सर हाँ प्लीज टेल हेलो हाँ सो कनेक्टिविटी देख हाँ बोल सर हाँ इधर ये स्विंग क्लैंप लगवाया क्योंकि वर्कपीस को निकालने के लिए ओके एंड सर हो गया हाँ पिक्चर 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 सर पिक्चर तो सर केला ना नेक्स्ट लेक्चर अच्छा पण कसं करणार सांगू शकतोस का रफ ड्रॉइंग पण नाही बनवला ना डिजिटल जर नाही अच्छा
आता हे जे दोन बनवलेस ना, एक जरी ड्रिलिंग जिग केलास ना, दॅट इज ऑल्सो ओके. इवन इफ यू डू वन जिग ऑल्सो, एक भी जिग बनाया तो भी चलेगा. हाँ ठीक है. एक्चुअली एक ही जिग चाहिए. एंड अदर थिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल कि फिक्चर, अदर फिक्चर, विच फिक्चर यू वांट टू मेक? मिलिंग फिक्चर से. हाँ मिलिंग फिक्चर परंतु कौन सा? नो आयडिया. अदर ड्रॉइंग कॉम्पोनेंट तो त्याच्यामध्ये काय दिलं? हॅलो ऐकू येते? हा येस सर. हा हा बघते. बिलिंग पिक्चर हॅलो सर्टिफाईड आहे बॉस, ऐकू येते का? हा सर. अँड फेसेस 270. हा फेसेस 70. हॅलो. हॅलो सर. हा तू कोणता बनवणार आहेस पिक्चर? सर अजून मला माहित नाही. मी यू कॅन मेक द पिक्चर फॉर 70. हा यस सर. हा आणि स्ट्रॅडल मिलिंग से कर सकते है उसको. हा सर 90 को नहीं कर, 190 को नहीं कर. नहीं वो मत करो ना, ये इजी है ना मिलिंग फिक्चर. खाली फेस 70 को करने का. हाँ दो मिलिंग फिक्चर बनाना है, वन इज फॉर 35 डाया बॉस एंड अनदर फॉर फेसेस टू 70. तो साइड व्यू मध्ये यू कैन सी दैट डायमेंशन. कैन यू सी दैट डायमेंशन साइड व्यू में? हाँ सर. 70 7. हाँ सर पर वो बॉसेस का कुछ समझा रहे. दो पिक्चर बनाने को बोला है, एक जो 35 है, जो बॉस है ना साइड व्यू में दिख रहा है, और यू वांट मी टू प्रेजेंट. यस सर. हाँ ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं. यस सर 35 है. 35 है का बॉस जो साइड व्यू में है, और आपका जो फ्रंट व्यू में कैन यू सी द सिंबल ऑफ मशीनिंग? यस सर. सो ये जो दिया है ना 30 मिलिंग पिक्चर फॉर 35 डाया बॉस. यस सर. हाँ तो ये जो फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिख रहा है ना. यस सर. वहां पे मशीनिंग करना है, मिलिंग करना है सर. वहां पे तो क्या है? हाँ तो एक वहां पे 70 मिलिंग होगा ना. 70 नहीं, ये टोटल 140 प्लस 25 प्लस 25 मतलब आपको 190 करने हैं. अंडरस्टैंड ना, ये जो ऊपर दिख रहा है ना टॉप व्यू में 190 सर. मिलिंग पिक्चर 35 आया बॉस, इसका मतलब है आपको 190 मशीनिंग करने हैं. दैट इज वन पिक्चर. एंड अनदर पिक्चर इज यू हैव टू मशीन दिस 70 फेसेस. ठीक है. सो इसमें से कौन सा भी एक पिक्चर आप बना सकते हो. सो यू कैन गो फॉर मिलिंग पिक्चर फॉर 70 प्लस 0 माइनस 0.1 इसके लिए. ठीक है. यस सर. एंड गो फॉर स्ट्रैडल मिलिंग. ठीक है. यू कैन लोकेट ऑन दिस, ये जो 35 डाया जो है ना, जो होल है ना 15 डाया, उसके ऊपर आप, हाँ उसके ऊपर आप लोकेट कर सकते हो. सर. एंड हाँ सर, अंदर के स्लॉट लोकेटिंग क्या चलेगा? क्या क्लाइंबिंग कुछ करना रहेगा अंदर का? टॉप में देखो स्लॉट है, वो अंदर गैप है वो. हो सकता है तो ओके गुड.
नेक्स्ट टू वांट्स टू प्रेजेंट आशीष और कुछ तुमको सर मुझे डाउट एक्चुअली हाँ बोलो आशीष हाँ सर मैं प्रेजेंट करूँ क्या हाँ चलेगा और एनी नॉट नेसेसरी आशीष ओनली विल प्रेजेंट एनी वन फ्रॉम हिज ग्रुप ऑल्सो प्रेजेंट ऐसा नहीं होना मानता है कि हर बार आशीष ही कर रहे सो एनी वन आशीष बोलो नीरव तो कंटिन्यूसली एबसेंट ही रहते हैं ऋग्वेद सर हाँ सर ये मेरा जो फिगर है ना हाँ उसमें सर मिलिंग फिक्सचर 146/51 बोला है एक जो बॉटम फेस है और एक वो 146/60 का बोला राइट तो जो मेरे को हाइट मेंटेन करने का हाँ एक तो जो मिलिंग फिक्सचर है 146/51 हाँ सो दैट मींस 146/51 मतलब ये जो फेस है वो नीचे का फेस ना जहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ ये वाला हाँ करेक्ट हाँ और दूसरा है वो 146/60 है तो 146 तो सर वो कौन सा वाला वो सर वो तो मुश्किल है करना 146/60 वो एक्चुअली कैसा है मतलब पहला आप क्या करेंगे एक्चुअली कैसा है मालूम है ये थोड़ा मिस्टेक है व्हेन यू आर डूइंग यू नो मिलिंग व्हेन आप जब ये फेस कर रहे हैं ना ये बॉटम का 146/51 सो एट द सेम टाइम आप ये 60 हाइट भी मेंटेन करेंगे समझा ना इसमें से कितना मटेरियल निकालेंगे हाँ वो तो है सर कितना बोलो ना 65 वो हाँ आप ऐसा मतलब हाँ यू आर टू रिमूव अगर से टोटल 65 है तो 5 mm निकाल दूंगा हाँ तो यू आर मेंटेनिंग दैट 60 सो एक ही फिक्सचर में 146/51 आपका फेस मशीन हो जाएगा एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग 60 ऑल्सो हाँ बिकॉज ये जो रेडियस है ना ये इसका कुछ मतलब नहीं है अंडरस्टैंड ना बाहर का जो हाँ. कितना रेडियस है वो 60 डायमीटर है ना बराबर ना 60 हाँ सर 60 डायमीटर हाँ 60 डायमीटर रहेगा ना तो वो यू हैव टू लीव इट एज कास्ट ओनली ओके सो आई विल चेंज दैट थैंक यू हाँ थैंक यू सो यहाँ पे आपको ऐसा ही आएगा कि जो 60 है वो आप यही फिक्सचर में मेंटेन करेंगे तो सेटिंग ब्लॉक आपका हाइट ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट यू आर मशीनिंग दैट फेस एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग 60 ऑल्सो चलेगा सर तो सर मुझे ये सिर्फ बॉटम फेस में मिलिंग करना है ना ये जो ट्राइंगल दिया है ये वाला यस सर यस बस बट यू हैव टू मेंटेन दैट 60 ऑल्सो 60 बराबर है तो आपको सेटिंग ब्लॉक वो हिसाब से सेट करना है कटर को अच्छा समझा समझ में आया ना समझ में आया ना हाँ 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 और सर ड्रिलिंग जिग के लिए ना हमारा हम लोग ये डायर 20 होल्स के लिए कर रहे हैं तो सर 20 पूरा एक ही ड्रिल में तो होगा नहीं ठीक है तो हमको 12 और 20 का मैं स्टेप्स कंसीडर कर रहा हूँ चलेगा ना वो अभी तो जो ड्रिलिंग जिग बनाएंगे ना तो दैट इज एक्चुअली इन प्रैक्टिस यू आर डूइंग लाइक दैट ओके लेकिन सिंस दिस इज कास्ट आयरन ये कास्टिंग है ना तो यू कैन गो इन वन ड्रिल इटसेल्फ तो अब जब भी ड्रिलिंग जिग आप बनाएंगे ना तो ड्रिलिंग बुश का जो है अदरवाइज मीन्स आप बुश कौन सा यूज करने वाले हैं दो ड्रिल के लिए सर वही आपको मटेरियल का नेक्स्ट डाउट पूछने का था मटेरियल कैसे यूज करना तो इट इज एक्चुअली कास्ट आयरन ठीक है सो इन कास्ट आयरन यू कैन गो इन वन गो हैड इट बीन सपोज अगर स्टील रहता था देन यू वुड हैव डन इट इन two drills two steps so that time you have to use slip bush ek bush dala 12 ka drill kiya okay then change the drill change the bush aur 20 ka kiya like that sir aapne abhi jo bola na sir change the drill and change the bush sir samjho maine agar matlab ek bush dala hai 20 ka theek hai uska id 20 hai uske andar hi main dusra bush press fit nahi kar sakta 12 ka ha कर सकता है ना लेकिन एक के अंदर एक बुश हाँ एक के अंदर एक बुश बराबर है लेकिन अभी उसका वॉल थिकनेस कितना आएगा मालूम है 4 mm आएगा तो भी चलेगा यस चलेगा सर हाँ सर एक के अंदर सर आप मटेरियल का बता सकते हो क्या एक बार बस किसका मटेरियल कौन सा सर बुश के लिए बुश और लोकेटिंग पिंस के लिए हाँ लोकेटिंग पिंस EN24 जो भी राउंड और स्लेंडर रहते हैं शाफ्ट राउंड एंड स्लेंडर like locating pin it's a round and it's slender so go for EN24
जो भी बुशेस है, तो सर जो भी बुशेस है राउंड है लेकिन जिसका हाइट कम है, गो फॉर N36। ओके सर, ठीक। गाइड पिलर, गाइड बुशेस N36, लोकेटिंग पिन्स, डॉवेल्स गो N24। जो बाकी का जो सपोर्ट प्लेट्स है, बेस प्लेट्स है, सपोर्ट प्लेट्स, एंगल प्लेट्स, लैच, जो भी प्लेट्स है, क्लैंप्स, दोज आर ऑल MS। नट्स, बोल्ट्स, वॉशर, यू हैव टू राइट स्टैंडर्ड इट बिकॉज यू आर टेकिंग स्टैंडर्ड हार्डवेयर। ओके सर, ठीक है। यस सर, तो सर हम लोग ये ड्रिल एक 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 ही बार में बना देंगे, चलेगा ना? हाँ, बुश विद इन बुश, ना? बुश सर, बुश विद इन बुश करूँ कि पूरा एक ही बार में आपने बोला कि मतलब एट वन को ही कर देना चलेगा? नहीं नहीं नहीं, चल अभी बुश विद इन बुश करो ना, चलेगा सर। कुछ बनाया नहीं क्या? नहीं सर। और सर बुश का वॉल थिकनेस कैसे कैलकुलेट करने का, कुछ फॉर्मूला है उसका? नहीं नहीं, अभी देखो आपका जो 20 का नॉर्मली क्या रहता है फॉर्मूला जो रहता है, बट मिनिमम वॉल थिकनेस नो यू हैव टू टेक 3 mm। ओके, 3 mm के अगर नीचे जाता है ना तो देर आर चांसेस दैट इट विल कोलैप्स। कोलैप्स मतलब समझा ना, द वॉल विल कोलैप्स। सो दिस इज बेसिकली अ थंब रूल, अदरवाइज यू कैन यूज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। जो आपने किया है क्या उसमें रैंकिंग फॉर्मूला वगैरह हो गया है क्या? कॉलम्स एंड स्ट्रट्स? नहीं सर, नहीं हुआ था। कॉलम्स एंड स्ट्रट्स डिप्लोमा में भी किया होगा शायद, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। कॉलम्स एंड स्ट्रट्स में था नहीं, अभी डिग्री में था लेकिन उसका ध्यान नहीं, नहीं सर। अच्छा, एनीवेज वो रैंकिंग्स फार्मूला से कर सकते हैं, बट नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट मिनिमम 3 mm आपको रखना है वॉल थिकनेस, 3 mm। सो अभी मैंने 4 mm कैसा निकाला, क्योंकि आपका जो बड़ा बुश है उसका इंटरनल डायमीटर कितना है? 20। उसका इंटरनल डायमीटर 20 है। आउटसाइड डायमीटर उसका कितना आएगा? 28 या 26 मिनिमम। ओके, हाँ। 3 mm बराबर है। अभी आपका बुश विद इन बुश है उसका कितना आएगा? 12, और आउटसाइड डायमीटर उसका कितना आएगा? 20, करेक्ट ना? तो वॉल थिकनेस कितना हो गया? 4 mm। सो दैट इज, हाँ, दैट इज आई मीन सफिशिएंट 4 mm। ओके सर, ठीक है। 3 mm से नीचे हो जाता है तो कोलैप्स हो जाता है, और हीट ट्रीटमेंट में भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। चलेगा। ओके गुड, देन नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप, हु वांट्स टू प्रेजेंट? ऑल आर प्रेजेंट, ग्रुप नंबर 12 में से सब प्रेजेंट है। ड्रिल जिग बनाया हुआ तो प्लीज प्रेजेंट दैट ड्रिल जिग फिक्चर। हेलो, हेलो सर, ग्रुप नंबर 12 राइट? या ग्रुप नंबर 12 इन सीरीज। हाँ सर, मैं लास्ट टाइम दिखाया था ना सर। हाँ, उसी मुझे नहीं, मॉडल बनाया है क्या? हो गया सर हमारा? नहीं नहीं, मॉडल किधर? हाँ, मॉडल पूरा बना के सॉफ्टवेयर का। हाँ सर, दिखाया था, एक मिनट वापस दिखाओ। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में दिखाने का? हाँ, एक मिनट सर, लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल नहीं, नहीं ला सॉफ्टवेयर में नहीं सर, इसमें दिखाया था। हाँ अपने, हाँ सर, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, ड्रॉ करके बताया था ना सर, एक मिनट, स्केच दिखाया था। हाँ सर, यस सर, एंड ऑल ऑफ यू यू नो द सीक्वेंस ना, हाउ द पीडीएफ फाइल यू हैव टू सबमिट। पेज नंबर 1 विल हैव कंपोनेंट ड्राइंग। हेलो, एक मिनट मैं बताता हूँ। पेज नंबर 1 विल हैव कंपोनेंट ड्राइंग। हेलो, और वो कंपोनेंट ड्राइंग में आपको लिखना है नीचे, हाँ, क्या कर रहे करके, ड्रिलिंग जिग फॉर डाया सो एंड सो करके, ठीक है। पेज नंबर 2 विल हैव 3D मॉडल ऑफ द कंपोनेंट ड्राइंग। देन पेज नंबर 3 विल हैव, यही सीक्वेंस रखना है, 3D मॉडल ऑफ द जिग। एंड देन 4th पेज विल हैव ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द जिग अलॉन्ग विद द बिल ऑफ मटेरियल। अगर बिल ऑफ मटेरियल के लिए वहां पे जगह नहीं है तो यू कैन गो फॉर पेज नंबर 5। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू सबमिट। हाँ, अभी दिखाइए, लास्ट टाइम आपने दिखाया था ये ड्राइंग। हाँ सर, वही है।
नहीं नहीं व्हाट आई एम आस्किंग ना, आज का मीटिंग में मॉडल सॉफ्टवेयर पे दिखाने को बोला था, तो है ही नहीं क्या सर? सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है सर। हाँ सर, हाँ सर, मेरे पास सॉफ्टवेयर पीसी नहीं है, मेरे अवेलेबल पास नहीं है तो सॉफ्टवेयर तो मैंने नहीं है। दूसरा भी ऑप्शन दिया है कि यू हैव टू सबमिट, बट यू हैव टू ड्रॉ टू द स्केच प्रोपोर्शनेटली ड्रॉ टू द स्केच, यस सर। तो टू द स्केल, इसके चलेगा नॉट ना? स्केच, टू द टू द स्केल, स्केल ओके ओके प्रोपोर्शन, स्केल ना। हाँ टू हाँ द स्केल, वन ओके इज टू ओके टू बोलो या वन इज टू थ्री बोलो ऐसा, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू, ओके इफ यू आर ओके गोइंग टू मेक इट ऑन सॉफ्टवेयर यू नीड डायमेंशन ना। यस सर। हाँ सो विद द डायमेंशन यू हैव टू मेक इट ऑन अ स्केचबुक, टू डी व्यू एज वेल एज ओके ओके थ्री डी मॉडल, एज वेल एज थ्री डी मॉडल, थ्री डी बट मॉडल इट ऑफ द शुड बी जिग, हाँ थ्री डी मॉडल ऑफ द जिग एज वेल एज जिग्स ऑर्थोग्राफिक जिग्स व्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑल्सो। ओके देखो आपके पास कॉम्पोनेंट ड्रॉइंग तो है, उसको ही स्कैन करके हो जाएगा, बराबर है? कॉम्पोनेंट ड्रॉइंग हो गया, वो तो। फिर आप हाँ यस आइसोमेट्रिक सर, मॉडल यस बनाओ, सर, एवरीथिंग शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द स्केल, वो नॉट वन इज टू वन बट इट कैन बी वन इज टू टू और वन इज टू थ्री कैसे भी। नो एंड नो देन सर, व्हाट आई एम सपोज्ड टू आस्क यू, यस सर। हेलो, हाँ देन थर्ड पेज विल हैव योर हाँ ड्रिल सर, जिग का मॉडल, एंड फोर्थ पेज ऑर्थोग्राफिक व्यूज, एंड फिफ्थ पेज बिल ऑफ मटेरियल लाइक दैट। अगर आप दो व्यू दिखा रहे हैं इसका जिग का, तो देर विल बी स्पेस फॉर बिल ऑफ मटेरियल ऑल्सो, बट वॉट आई वॉन्ट दैट यू हैव टू ड्रॉ टू द स्केल, नॉट नेसेसरी वन इज टू वन, इट कैन बी वन इज टू टू ऑल्सो, वन इज टू थ्री ऑल्सो, सो दैट यू विल बी एबल टू अकोमोडेट इन योर दिस फुलस्केप पेज और ए फोर साइज पेज। अंडरस्टूड? यस सर। हेलो, या सर आई हैव डाउट सर, हाँ ये फिक्चर का, जिग का भी फिक्चर का एक्सोमेट्रिक व्यू बनाए, आएगा? हाँ जिग का भी ना थ्री डी मॉडल, हाँ सर, नहीं सर, हाँ जिग का भी 3D मॉडल। ओके सर। हाँ सर फिक्सर में देखो मुझे डाउट है सर। वंस अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट पेज विल हैव कंपोनेंट ड्राइंग, उसके नीचे रखने लिखने का किस क्या कर रहा है करके, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, ड्रिलिंग जिग फॉर डायमीटर 10 होल, देन सेकंड पेज विल हैव 3D मॉडल ऑफ द कंपोनेंट, थर्ड पेज विल हैव 3D मॉडल ऑफ द जिग, फोर्थ पेज विल हैव ऑर्थोग्राफिक व्यू, मिनिमम टू व्यूज ऑफ द जिग अलॉन्ग विद द बिल ऑफ मटेरियल। या अभी बोलो फिक्चर में क्या डाउट है? हाँ सर, एक मिनट सर। ग्रुप नंबर 12 ना? 12 सर। हाँ सर, फिक्चर में सर ये जो रेडियस है इसी हाँ इसी को ये करना हाँ है, ये जो, इसके लिए हाँ आपने ये जो मांगा ना, आठ ये जो एट रेडियस आर का जो रेडियस है ना, हाँ उसको मशीन करना है, उसके लिए है मिलिंग फिक्चर बनाना है इसको ही ना सर। आपका ड्रिलिंग। हाँ तो सर हाँ और ड्रिलिंग जी तो यस आपका सर। बन गया 16 का, हाँ सर, मिलिंग हाँ फिक्चर यू हैव सर, टू मेक ड्रिलिंग तो फॉर जो बन गया एट आर, एट एट आर आर ना सर, तो इसका। हाँ हाँ तो इसके कैसा? लिए फिर तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना सर, फिट फिट वाला, प्रेस फिट फिट आता ना, प्रेस फिट हाँ, प्रेस पहला फिट आप आता ना बोलिए सर, एक मशीनिंग, पिक्चर आता है नहीं नहीं आप मशीनिंग मशीनिंग सर। कैसा करने वाले हैं वो बताइए, हाउ यू आर गोइंग टू मशीन दैट एट आर, आर यू गोइंग टू यूज सर्कुलर टेबल या इन समथिंग मिलिंग एल्स? हाँ मिलिंग सर्कुलर में टेबल सर, जो राउंड राउंड होता है ना सब, जहाँ पे मेरा मेरा अभी जो मेरा जॉब है। अभी क्या करो, अभी सर्कुलर टेबल में क्या हाँ होगा, आपको हाथ से ऐसा सर, घुमाते बैठना पड़ेगा, बराबर ना? तो नॉर्मली हम लोग ऐसे यस लेंगे सर, हाँ सर, ना, कट फिक्सर में ना ओके कटिंग टूल को खाली एक ही डायरेक्शन में घुमाते हो आगे पीछे ऐसे, तो इन दिस केस हाँ व्हाट आई विल सजेस्ट, आप सो सीधा 16 का ले लो, 16 का कटर ले लो। ओके अभी हाँ एंड अभी एक मिनट मैं प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? ओके सर। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? एक मिनट सर, मैं अपना बंद कर लेता हूँ।
यस सर प्रेजेंट सर। ये आपका 16R है बराबर है दिस ओके। सो वन वे इज दैट यू टेक अ कटर, ये ऐसा कटर ले लो एंड मिल और इसको ऐसा घुमाइए बराबर है। तो हाउ यू विल डू दैट, यू लीज अ सर आउटर डायमीटर, सर आउटर डायमीटर के लिए बनाना, सर आउटर डायमीटर के लिए बनाना, इनर इनर बना रहे हो? नहीं आउटर डायमीटर ही है ना ये दिस ना? नहीं हाँ सर आउटर है ना सर, आप इनर में दिखा रहे हो मेरे को, इनर में जाता मेरा नहीं देखो अभी। हाँ देखो ना सर इनर में डाला सर कटर। अरे इधर में ये मशीन देख अच्छे से, अरे ये देखो ये कंपोनेंट मेरा ऐसा है, दिस इज द कंपोनेंट ऐसा। अभी आया समझ में? समझ नहीं सर मेरा कंपोनेंट वैसा नहीं है, वो देख नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे 30 लिखा हुआ है वो वाला पार्ट है। अच्छा नीचे वाला जो अच्छा 30 वाला पार्ट। हाँ सर वो तो वही तो वही तो एटा करना है ना, सीधा जाएगा ना वो, समझ गया। फिर कौन सा तुम बोल रहा था, वही तो एक ही जगह सर मैं ये बोल रहा था सर। कौन सा? हाँ तो वो तो सर नॉर्मली हो जाएगा सर, वो तो समझ गया मेरा ये आगे का, तो मैं नीचे वाला मेरे को पता समझ गया, नीचे वाले का प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाले का तो मैं फिक्सचर मिला के सिर्फ मैं अपना ये सर्कुलर टेबल पे कर रहे हैं अंदर। कौन सा वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा मिलिंग टूल? नहीं नहीं ये सर्कुलर टेबल पे नहीं करूंगा, एक मिनट सर फिर कैसा करने वाले हैं? सो व्हाट लिसन, अभी मेरा कैसा है क्या करने का, ये 8 आ रहा है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक इस यही कटर 16 डाय का कटर ऐसा, तो कटर विल बी नहीं नहीं सर सुनो मेरा। हाँ सर ये वाला समझ गया, कटर है वाला समझ गया। और फिर इनिशियली कटर विल बी हियर ओके, ऐसा कटर रहेगा इनिशियली, और फिर यू हैव टू जस्ट प्लंज इन ऐसा आस्ते आस्ते ऐसा फिर एंड देन अगेन रिट्रैक्ट इट ठीक है, दिस इज व्हाट माय थॉट इज ठीक है। और आप यहाँ पे किधर भी तो लोकेट कर सकते हो ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय सर्कुलर टेबल का इफ यू आर यूजिंग इट देन यू कैन गो फॉर स्मॉलर साइज कटर, बट आई सजेस्ट दैट यू गो फॉर 16 डाया कटर एंड देन जस्ट प्लंज इन एंड देन प्लंज आउट ठीक है। नाउ यू टेल मी, बोलो यू वॉन्ट टू प्रेजेंट? यस सर। हेलो हाँ मैं बंद करता हूँ ठीक है। ये समझ में आया, मैंने जो क्या बताया वो समझ में आया? हाँ सर हाँ हाँ सर okay. सर मैंने जो बताया ना सर, मैं जो बोल रहा था ये वाला जो आप ये वाला लास्ट टाइम मैंने बताया था ना सर, दिस वाज इसके इसका मेरा कोई डाउट नहीं, इसका मुझे पता है ये मिलिंग तो नॉर्मली वैसे ही हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा फिक्सर का मुझे स्ट्रेट रखना है, वही आपने जैसा बताया ना सर ये से मुझे पता है, ये वाला मैं इसका नहीं बता रहा था आपको, जैसे मैंने बताया वैसा ही करने वाला है, मैं आपको इसका पूछ रहा था। हाँ हाँ वैसे ही होगा ना सर, वो ऑपरेशन तो इसी को उसको तो करना ही नहीं है ना, वो वैसे ही होगा। हेलो ये डायरेक्ट आ जाएगा ना? हाँ वही सर, ये जो 18 आ रहा है ना 18 आर, उसको करना ही नहीं है, देयर इज नो मशीनिंग इन्वॉल्व, तो व्हाई यू आर डाउट था मेरा सर, वही डाउट था मेरा, नहीं नहीं वही डाउट था सर, मैं आपने जो बोला ना नीचे वाले का तो मुझे क्लियर था सर, लास्ट टाइम मैंने बोला था ये मैं जो आर्क वाला आर्क है नीचे जो मारेंगे आर्क का रेडियस है ना सर, मैंने लास्ट टाइम को बता दिया था कि इसको तो मैं मिलिंग मशीन पे कर लूंगा ऑपरेशन, कैसा करने का वो नहीं बताया था, कैसा करने का अभी ऐसा बताया था यहाँ पे। हाँ अच्छा अभी हाँ, अभी देखिए अभी डिजाइन मिलिंग फिक्सचर फॉर 10 स्लॉट एंड 8R, तो इसमें 18R का लिखा ही नहीं ना, और इसको मशीनिंग भी करना नहीं है क्योंकि इसमें ट्रायंगल भी नहीं है, सो यू हैव टू लीव एज कास्ट ओनली इसको ओके okay? यस हाँ सर हाँ सर वो मैं समझ गया सर, इसको सिर्फ कास्ट में रखना है, और ये यस सर और ये फेस से कुछ डायमेंशन भी नहीं दिए जैसा कि आशीष का था, ऐसे ऐसा कुछ डायमेंशन भी नहीं दिया, अभी ये दिस डायमेंशन टोटल हाइट यहाँ पे किधर डायमेंशन दिया, अभी दिस 48 है ना 48 दिया ना सर, इवन इफ अगर किधर है, इधर है सर टोटल डायमेंशन, इधर टोटल टोटल हाइट डायमेंशन नहीं दिया, वो आधा आधा करके दिया, ये 48 इधर से दिया है, दैट मींस हाँ दिया ना सर 48 ये टोटल हाइट है सर, ओके ये किधर दिया है 48 वो हम लोग कैलकुलेट किया ना, ये अभी इसका देखो आशीष पंचाल का कैसा, देखो आशीष पंचाल का इसमें कैसा 60 दिया है, इसका मतलब क्या कि यू हैव टू मेंटेन दिस 60 ऐसे, इन योर केस
इन योर केस 48 इज नॉट यू आर कैलकुलेटिंग, यू आर कैलकुलेटिंग, यू आर एडिंग, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप 30 में 18 ऐड कर रहे तभी आपको 48 मिल रहा है, अंडरस्टैंड? नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग ड्राइंग। व्हेन समथिंग इज गिवन 60, दैट मींस यू हैव टू मेंटेन दैट 60, अंडरस्टैंड? नो, ऐसा रहता है। और यहाँ पे 48, हाँ, ये जो दिस यू विल लर्न, दिस इज फॉर द आपका जो है ना आशीष का जो है दैट इज फॉर द फर्स्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, एंड आपका जो है दैट इज फॉर द सेकेंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मीन्स इन ऑर्डर टू गेट अ हाइट यू हैव टू कैलकुलेट, इन केस ऑफ आशीष का यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, इट हैज बीन गिवन डायरेक्टली, सो यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट डायमेंशन इन केस ऑफ आशीष का ड्रॉइंग, अंडरस्टैंड? पांचाल का। इन यूर केस जो 18 जो 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है ना, उसको मशीनिंग नहीं करना है, ओके? यू हैव टू लीव इट एज कास्ट। अगर नाउ सपोज इफ यू वांट टू मशीन दैट, ओके, देन कैसा करेंगे? यू हैव टू जस्ट, यू हैव नो चॉइस बट टू डू इट ऑन रोटरी टेबल और सर्कुलर टेबल और एंड मिल से करने का। रोटरी टेबल, हाँ सर, हाँ सर, वही रोटरी टेबल में आपको लोकेट, जी सर जी, रोटरी टेबल में आपको 16 डाया को लोकेट करना है, और जो 36 डायमीटर है 18 × 2 = 36, वहां पे आपका कटर सेट करना है। यू कैन यूज 10 डाया कटर, 20 डाया कटर, और रोटरी टेबल घुमाने का इफ एट ऑल यू वांट टू डू, लेकिन वो करना नहीं है। यस सर, यस सर, हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया, ओके, नेक्स्ट। हाँ सर, ये लास्ट टाइम मुझे आपको 8 डिग्री वाला बता दिया था, 8 रेडियस वाला मैंने बता दिया कि इसमें होगा। अच्छा, हाँ, ये 8 रेडियस का जो स्लॉट है ना अभी, सर, है क्या? हाँ सर, नहीं, कोई बात नहीं सर, ये बता दिया था मैंने, नहीं वो उसका उसका मिलिंग से उसका मैंने फिक्चर बना नहीं, उसका फिक्चर तो इजी है सर, उसमें उतना ये नहीं कॉम्प्लिकेट फिक्चर नहीं, उसका नॉर्मल फिक्चर रहेगा, फिट प्रेस फिट होता है ना सर, जिसमें मेरा जॉब बैठ जाएगा प्रेस में, वन हैंड प्रेस फिट होता है ना सर। हाँ, मैं आपको एक नॉर्मली बता दूं सर, कैमरा ऑन करके। हाँ बताओ ना, ऐसा ग्रेजुअली बता दो। हाँ सर, हाँ, और एक तुम एक इनोवेटिव करने वाला था ना? हाँ सर, उसके बारे में आपको बताऊंगा सर। देखिए सर, एक जो ग्रेजुअली मेरा जो मैंने बताया था वो मैं ऐसा बनाऊंगा। तुम्हारा ड्यूटी कितना बजे ये रहेगा? मेरा जॉब सर 4:30 को समय घर से निकल जाता हूँ। 4:30 को निकलते हैं सर, ऐसा प्रेस फिट होता है ना सर, जिसमें सर जॉब मेरा बैठ जाता है, सर दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है ना, ऐसे प्रेस फिट होता है ना सर यहाँ पे, तो मैं सर एक लगा दूंगा ना सर, दिस इज फॉर द वेज क्लैंप। हाँ, तो ऐसा प्रेस फिट का एक जो आता है ना सर, क्लैंपिंग, हाँ नहीं नहीं ऐसा, और एक प्रेस फिट आता है सर इधर एक अपने, हाँ यहाँ पे हम लेके उसको टच कर, ये इसको प्रेस कर देते, इसको प्रेस कर देते, बैठ जाता है और मेरा जॉब फिर सेटल हो जाता है। ये प्रेस फिट का कोई भी इजीली उसको मेरा जॉब इजीली अंदर बाहर आएगा और इजीली जाएगा और एक ही बार में फिट होके, क्योंकि मेरा जॉब तो एक ही है ना सर, स्लॉट लगाना है, तो मैं ऐसा आइसोमेट्रिक में आपको बताऊँ, ये मेरा जॉब रहेगा ऐसा, और यहाँ मेरा ये हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स जिग बना दूंगा ऐसा, छोटा सा फिक्चर, बॉक्स फिक्चर बना दूंगा ऐसा, यहाँ पे मेरा जॉब हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा मेरा जॉब, तो एक ऐसे वी कुछ बना दूंगा, यहाँ पे मेरा जॉब हो गया सेट, और यहाँ पे ऊपर में सेट बना दूंगा जिससे मेरा जॉब हो जाएगा अटैच इस पे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे सिर्फ आएगा, स्लॉट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये मेरा प्रेस ऊपर उठ जाएगा, जॉब बाहर आ जाएगा, फिर जॉब बैठ जाएगा, ऐसा मेरा प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर। तो ये किसके लिए, कौन सा मशीन के लिए बोल रहे हैं? हां, ये 8 आर का नहीं, 8 आर के लिए बोल रहे हैं क्या? हां, 8 आर के लिए सर, 8 आर के लिए, यहां पे मेरा 8 आर रहेगा सर, ये वाला मेरा 8 आर रहेगा, यहां पे मेरा जॉब फिट हो जाएगा, मतलब सर ऐसा मैं बेसिकली ऐसा एक बना, ऐसा वी ब्लॉक में, अंदर भी ब्लॉक है, ये मेरा जॉब रहेगा सर। यस यस, समझ गए। और वो जो एक इनोवेटिव बताने वाला था, तुम किया था, वो कभी करने वाले, दिखाने वाले हैं ये आपको, मैं एक दिन में भेजता हूँ, एक्चुअली वीडियो नहीं मिल रहा सर मेरे को, जो मैंने आपको बताया था ना,
आपको मैं अभी बता दूं सर, चलेगा? हाँ बताओ ना। देखिए सर, वो ऐसा पिक्चर ऐसा था सर, वो पिक्चर ऐसा था, आपने नॉर्मली जो टेबल टेबल वाइज होता है ना सर, टेबल वाइज, हाँ सर, एक टेबल वाइज जैसा ही उसका स्ट्रक्चर था। फिर उसके हर इसके ऊपर एक ना ऐसा 2 सर्कुलर प्लेट फिट किए हुए जो दोनों तरफ मूव करते क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दिख रहा है ना सर ये दोनों? और इसी के अंदर और दो बाहर साइड थोड़े और ऐसे और ओके हाफ सर्कुलर। और ये थे मेरे सर, थे मेरे लोकेटर, समझिए लोकेटर्स नहीं थे, मेरे क्लैंप सब हाफ सर्कुलर कैंपलर्स और ऐसा कैंपलर्स थे। तो और ये दो, ये दोनों और ये जो चार लगे ना सर, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट होते। तो जब मेरा जॉब अगर स्केट जाएगा, अगर कोई सर्कुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, कैसा भी जॉब हो, तो ये सर्कुलर प्लेट घूमते थे और उसको टाइट करते। इसका मतलब एक सर्कुलर बॉल हेमिस्फीयर भी अगर रखता उसके बीच में, तो ये मेरा क्या होगा, ये जो सर्कुलर है ना सर, ये रोटेट होगा 360, ये रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ये साइड का रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो ऐसा ये मेरा स्पीयर है, इसको ये लोग ऐसा चारों तरफ से इसको फिट कर देंगे लोग। ओके हाँ, रोटेट होके, ठीक है, रोटेट होके, ओके गुड, चारों तरफ से लोग फिट कर देंगे लोग इसको। हाँ तो ये सर, लेकिन इसका पेटेंट हो चुका है, ये पेटेंट हो चुका है। हाँ नो प्रॉब्लम, पेटेंट हो चुका है, किसी ने कर दिया। हाँ नो प्रॉब्लम, इसका आप ड्रॉइंग बनाओ अच्छी तरह से, अगर वीडियो नहीं मिलता है तो। कैन यू हियर मी? हाँ, और उसका डिस्क्रिप्शन, यस सर, यस सर, हाँ, और डिस्क्रिप्शन मतलब यू एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन राइट, वर्किंग वगैरह एंड सेंड मी। ओके हेलो सर, हेलो सर, ये आया पहले से पेटेंट है ना? हेलो सर, हाँ सर, ये आया मुखी प्रेजेंट है, वो उसका माइक का इशू है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वसीम, what you do know, you draw by hand, okay, yes, अच्छी तरह से, and उसका description okay, देख के मेरे को भेज दो, ठीक है? चलेगा सर। ओके, कभी तक करेगा? सर ये फ्राइडे को मेरा हॉलीडे है सर, उस दिन मैं आपको बना के भेज देता हूँ। कल ना? फ्राइडे मतलब कल? फ्राइडे को मेरा, हाँ कल ही, हाँ कल ही सर, कल थोड़ा और भी assignments आ गया तो मैं complete करके आपको भेज देता हूँ सर। ओके ठीक है, so shall I go to the next one? Yes, sir, sure. हाँ, next one. Who wants to present? Adil, Dipen, Akash. Shivam, you want to present? Yes, sir. Yes, sir. 2 minutes, sir. Yeah. एक्सक्यूज मी सर, या सर, मेरा जो 146/51 का जो मिलिंग है वो मैं एक ही पास में फेस मिलिंग कर दूं या फिर एंड मिल से मतलब मल्टी पास? नहीं, एक ही पास में 50 डाय का कटर यूज करने का है। ओके,
सर 51 है वो। हाँ 51 है ना, तो एक काम करो 51 है ना, तो साइज कितने इसका, ये लोग भी ऐसा और साइज देते हैं ना। सी दिस इज व्हाट इज डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम लोग अगर इसको 20 कर देते हैं ना, 20 सपोज इफ यू आर मेकिंग दिस, तो क्या हो जाता है, आप 2 इंच का कटर लेंगे ना तो 8 के पास में हो जाएगा। अभी 51 बोलेगा तो 2 इंच का कटर है वो 50.8 हो जाता है, तो नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यू यूज 55 डाया कटर और एक ही पास में उसका सेटिंग ब्लॉक में यू हैव टू मेंटेन द हाइट ऑफ 60 एंड जस्ट इन वन पास यू हैव टू मूव कटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट्स ऑल। ऐसा ही समझा ना, समझ में आया ना क्या बोला मैं? हाँ सर समझा समझा। ओके अदरवाइज कैन आई शेयर सर? हाँ हाँ प्लीज। दिखाइए सर, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस यस। ड्रॉइंग नंबर 13 ना? Yes, sir. Yeah. So, can you see it properly? Yeah, yeah. समझ में भी आया, it's ठीक है, good. खाली अभी issue क्या है, आप जो जो drill कर रहे हैं ना, like this, everybody please note that you have to show the drill. खाली ये जो drill है ना, आपने वो ऐसा straight line दिखाया ना hatching का, वो बराबर नहीं है, उसको आप ऐसा flute जैसा दिखाइए. Understand? हाँ सर वो ना ऐसे ही इसलिए। हाँ थोड़ा स्पाइरल उसको दिखाने का, so that it will look like a drill. Yes. काली under the drill force ना, जिसमें you know थोड़ा distort हो सकता है, it may bend down, समझा ना? तो उसको नीचे आप खाली एक जाएगा सर, टूट जाएगा सर। एक center लगा, ये जो दो होल के बीच में जो A to T, A T है ना, सेंटर डिस्टेंस आपका बराबर है और होल होल का साइज है 30 बराबर है, तो 80 माइनस 30 आपको बीच में 50 का ये मिलता है जगह, बराबर है, दो होल के बीच में, तो 50 फॉरगेट कट एंड टू एंड, 40 पकड़िए, तो आप उधर सेंटर में एक ना पोस्ट लगा दीजिए सपोर्ट पे, सो दैट सो दैट ये जो फेस है ना अंडर ड्रिलिंग इट विल नॉट बेंड इट डाउन, उसको दबा, मतलब दब नहीं जाएगा, तो सेंटर में एक 20 mm का राउंड बोलो या रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर विल बी मोर एप्रोप्रिएट। सेंटर में क्या कीजिए आप, 15 या 20 mm विड्थ और 30 mm लेंथ, ऐसा एक रेक्टेंगुलर 20 खड़ा कर दीजिए, ठीक है, सपोर्टिंग पीस, then it will be मतलब proper, बराबर है, okay. clamping का ये जो locating post, locating post दिखाया ना, तो इसके आगे ही आप थोड़ा एक stem निकालिए, ठीक है सर। हम लोग सोच रहे थे adjustable locator लगाए ताकि clamping की जरूरत नहीं फिर। अरे शिवम सर बोले उसका वो बस शुरुआत अच्छा है। हाँ वो जो लोकेटिंग पोस्ट है ना उसको ही आगे थ्रेड निकाल के उसके ऊपर नट डाल दो, तो दैट विल बी बेटर। वो आपका कितने का है, 50 का है ना? हाँ उसके ऊपर आप क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ट्राई टू जो लोकेटिंग पोस्ट रहता है ना उसके ऊपर ही थ्रेडिंग आगे करके नट लगा के क्लैंप करने का कोशिश करने का, ठीक है, ठीक है। फिक्चर मिलिंग पिक्चर बाकी है क्या, रफ भी नहीं बनाया क्या? रफ सर आपको ये समझा सकता हूँ, फेस आर करना है, मतलब जो फेस आर इधर गया, हाँ वही जो आप जो ड्रिल कर रहे हैं ना उसको ही आप पहला मिलिंग मशीन कर रहे, मिलिंग कर रहे हैं। हाँ लास्ट टाइम तो समझाया था, तो खाली यू हैव टू स्केच जरा निकाल के भेज दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, आगे और कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर, नो सर, नो।
से अभी इसमें कौन है अभी ग्रुप नंबर 14 मंथन हेलो लास्ट टाइम भी तुम ही था और ये बस तुम्हारा ग्रुप में तुम बाकी का दो मेंबर्स क्या हो गया वो कब एक भी प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किए एज पर अटेंडेंस तो पता नहीं सर लास्ट प्रैक्टिकल को सर सुमित बोला था कि शादी के लिए गया तो नहीं आ पाएगा आज का नहीं पता सर उनको बोलो जरा सर इज आस्किंग फॉर यू और इसका दूसरे का तो दूसरे का नहीं पता फोन भी रहेगा तो कॉल करो ना उसको दूसरा अपना ध्रुव तेंबुलकर अभी यूटी के लिए सब आ जाते हैं यूटी दूसरे ऐसे लेक्चर के लिए वगैरह रहते हैं हाँ तो ये तेंबुलकर क्या ठीक है मेरे को दोनों का फोन नंबर भेज दो तेंबुलकर और सुमित का ध्रुव शाम को जी और पिक्चर भेज दूंगा तो चलेगा क्यों लास्ट टाइम तो रेडी नहीं है प्रॉपर अरे इसका तो ये भी दिखाया था सोल्यूशन भी दिखाया था डिस्कसिस किया था तुम्हारा तो सबसे पहला होना मांगते हैं सर अकेले को ही करना पड़ रहा है इसके लिए थोड़ा डिलीवर है बराबर है लेकिन एवरीथिंग इज देयर ना विद यू खाली उसको थोड़ा चेंजेस करना है इम्प्रूवमेंट करना है रीड्रॉ करके भेजना है कुछ समझने में कुछ तकलीफ है क्या हाँ सर तो वही हेल्प ले रहा हूँ मैं फ्रेंड से क्या लेकिन समझ में तकलीफ है पूरा का पूरा मॉडल दिया है तुमको जिक का और फिक्सर का भी प्रॉब्लम क्या है तो ये चारों 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 होल ड्रिलिंग करने का डायमीटर 10 का डायमीटर 10 का आपको ड्रिल करना है हाँ सर वो बुश डाल के तो ड्रिलिंग हो जाएगा हाँ उसका पूरा सॉल्यूशन दिया है मैंने भाई तो मैं आपको भेजता हूँ फाइनल तो शाम तक यू कैन पिक्चर वो जो मैंने अपलोड किया है वो क्लियर नहीं है क्या दिस इज दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा यस सर हाँ किसके लिए कर रहे हैं ड्रिल जिग बोलो हेलो यस सर ड्रिल जिग किसके लिए कर रहे हैं हेलो हाँ सर आवाज आते हैं ड्रिल जिग बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं ऐसा मैं पूछ रहा हूँ तो ते होल साठी कोणत्या होल साठी ते चार होल भरपूर होल आहेत ना सर डायट टेनचे बरे सडी नाही केलं काय लास्ट टाइम तर सांगितलेलं नंतर लास्ट फ्रायडे लास्ट थर्सडे टू दिस थर्सडे यू आर नॉट टच नहीं किया तुम अभी देखो तुमको किसके लिए जिल जिल बनाना है वो भी नहीं याद आ रहा है जो मॉडल मैंने अपलोड किया है वो भी नहीं देखा है ऐसा नहीं चलेगा फिर ठीक है दोनों जन का पता नहीं लेकिन तुम भी तो कुछ नहीं कर रहे ना ऐसे ये देखो अपने को जो जिग बना रहा है ना ये इसके लिए बना रहा है ये जो डायमीटर 10 4 होल्स है ना इसके लिए 1 2 3 4 हेलो यस हाँ और फिक्चर किसके लिए बना रहे हैं फिक्चर कैन एनीबडी टेल मी इसका जो हेलो कैन एनीबडी टेल मी इसमें मिलिंग फिक्चर और ड्रिलिंग जिग का तो बोला मिलिंग फिक्चर किसके लिए बना रहे इसका सर टॉप व्यू को टॉप पे जो चार हाँ द टॉप पे सर वो ये मेंटेन करने के लिए सर 15 एमएम का ये है ना सर एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रिल करने वाला चार्ट इसका पूरा मिलिंग फिक्चर का रेडीमेड यू नो 3D मॉडल बाद में सेक्शनल ड्राइंग 2D व्यू बिल ऑफ मटेरियल सारा का सारा अपलोड किए इज एनीथिंग बॉदरिंग हेलो यस सर मंथन इज एनीथिंग बॉदरिंग यू कुछ तकलीफ है क्या नाही सर थोडं ऑर्थोग्राफिक आणि आयसोमेट्रिक मध्ये कन्फ्युजन झालं होतं
अरे पण तुला पहिली गोष्ट म्हणजे आता काय करायचंय ते पण तू विसरलायस, असं कसं होणार? मी तुला विचारतोय तू काय ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे ते पण तुला सांगायला नाही आलं, असं नाही चालत ना बळा. पर आता सांग मला, मी आता ही स्क्रीन प्रेझेंट करतोय, सांग मला ह्याच्यात काय करायचं, परत एकदा सांग. जेव्हा ड्रिल जिग बनवायचे ते डायमीटर 10 होल्स आहेत ना चार, त्याच्यासाठी ड्रिल जिग बनवायचे. हा आणि मिलिंग फिक्सर कशासाठी बनवायचं आहे? मिलिंग सर 15 mm आहे टॉपिंग मध्ये, त्याच्यासाठी बरका जो फेस आहे त्याच्यासाठी. आता तू क्लासरूम क्लासरूम मध्ये हे अपलोड केलेले आहेत तुला माहित आहे का? हो सर. जिग्स आणि फिक्सर्स मग आता त्याला रिफर करू, एक तर त्याला सेम टू सेम कॉपी करायचं आहे, आणि जर तुला काही नवीन विचार करता आला सम सजेशन्स तू यू हॅव टू डू दॅट. असं पण नाही म्हणत आहे की सॉफ्टवेअरलाच का, सॉफ्टवेअरच करायला पाहिजे. तू पेन अँड पेपर अँड पेन्सिल ने केलंस तरी काय नाही, ओनली यू हॅव टू ड्रॉ इट प्रपोर्शनेटली टू द स्केल. ठीक आहे चल लवकर कर आणि मला पाठव. ठीक आहे ओके. एनी डाऊट सो दॅट वी कॅन स्टॉप हिअर. ओके चलो थैंक यू सो मच.